है कुछ आपका ऐसा, हमारा ऐसा, हुमायूं टॉम्ब और अभी भी काम चल रहा है। हम लास्ट टाइम पिछले साल आए थे तब भी काम चल रहा था, और वो काम यहाँ पे चल रहा है जहाँ हम खड़े हैं। तो अब देखते हैं हुमायूं टॉम्ब में ऐसा क्या क्या बदलाव हुआ है जो देखने के लिए है, ऐसे को छोड़ के। तो फाइनली आ चुके हैं हम हुमायूं टॉम्ब, सफदरजंग में पड़ता है। अगर आप आओगे मेट्रो गेट नंबर 2 से उतरना जोरबाग, जोरबाग मेट्रो स्टेशन उतरोगे वहाँ से उतरते लेफ्ट साइड से डायरेक्ट, ज़्यादा ज़्यादा 150-200 मीटर होगा, इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसे कम ही होगा। तो आप गेट आओगे, और जो नंबर 2 टिकट प्राइस बता देता हूँ, पहले 20 रुपये था, 5 रुपये बढ़ा दिया गया मेंटेनेंस के चलते हुए, में 5 रुपये ज़्यादा ले लिया। तो ये आप देख सकते हो, ये है पूरा हुमायूं टॉम्ब, और इसकी जो पूरी एंट्री गेट थी वहाँ से एंट्री गेट है। अभी हम दिन के टाइम में हैं तो धूप है, तो थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर शाम में आओगे तो यहाँ पे आपको भीड़ अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि 25 रुपये के हिसाब से शांत भरी जगह मिल जाएगी आपको आराम से बैठने के लिए, और कुछ ऐसे रील्स बनाने वाले मिल जाएंगे, और हमारी तरह कुछ व्लॉगर्स भी मिल जाएंगे। काश हम फेमस व्लॉगर कहलाएं, कुछ टाइम बाद कहलाएंगे ज़रूर। तो चलो आपको दिखाता हूँ इस हुमायूं टॉम्ब का पूरा स्ट्रक्चर। फुव्वारे वगैरह तो चालू कर देते यार, हम लोग आए थे पिछली बार, आए थे तब भी नहीं, पिछली बार चालू हो गया था, डेंगू जैसे हम आए थे हमने किया था शूट और वो चालू हो चुका था, लेकिन इस डेंगू बार तो अभी डेंगू है, डेंगू पानी तो साफ लग रहा है, बट थोड़ा ज़्यादा होता तो उसमें उनको धक्का दे देते। डेंगू लग रहा है। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बना रखा है ना वैसे, जब भी आता है मुझे स्ट्रक्चर में ये चीज़ अच्छी लगती है, जो ये बीच में बनाया हुआ होता है उस समय के हिसाब से, जहाँ पे कोई कलाकृति नहीं थी, जब लोग जो है कई देशों के सिर्फ जंगलों में भटक रहे थे, और भारत ने कैसी कैसी संस्कृतियों में मतलब डेवलपमेंट कर रखा था। आर्किटेक्चर देख सकते हो कितना बेहतरीन है, और जो साउथ साइड साइड का लगता है ना ऐसे, जो पूरा रशिया वगैरह का हो होता है, रशिया वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसा लगता है बिल्कुल। आज देखो अंदर दिखाता हूँ आपको, तुमको यहीं पे फांसी दी जाएगी ऊपर लटका के, सच में बेहतरीन। और बाहर इतनी गर्मी, अंदर तो बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम हवा चल रही। बाहर गर्मी थी ना, इतनी गर्मी, और अंदर वो बिल्कुल ठंडा लग रहा है। अगर कोई बैठ जाए तो थोड़ी देर बाद उसे चादर ओढ़ ले, मतलब रियल में हवा इतनी अच्छी खासी चलती है। और बीच में देख सकते हो ये जो पहले था ये ओपन था बालकनी वगैरह के लिए, लेकिन अब ये जो है यहाँ पे देख सकते हो इन सब में जा सकते थे, लेकिन वही है कि इंडियंस का पता ही है, जब ज़्यादा छूट दे देते हैं ना तो उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें बंद कर दी, वरना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पर भी जा सकते थे। और ये देख सकते हो मकबरा, अभी मकबरा किसका है ये तो आप बताना कमेंट करके, क्योंकि हमें भी नहीं पता रियल बोले तो। पहले आए थे, पहले पढ़ के आए थे हम इसके बारे में, इस बार तो ऐसे ही आ गए। तो पिछली बार मैंने बता रखा था, जिसको अगर जानना भी होगा तो पिछले वाली वीडियो देख सकता है, उसमें हमने बता रखा था किसका मकबरा है, या अगर अभी हम बाहर पढ़ लेंगे तो बता देंगे। एक चीज और थी ये अच्छा हाँ, इसमें हवा बहुत बड़ी बात है ना, क्या बोलते हो जो वेंटिलेशन टाइप बनाते हैं, और ठंडी एकदम हवा आती है। अगर गर्मी लग रही हो तो यहाँ आके बैठ जाना, थोड़ी देर ऐसी ही हवा मिलेगी, कपड़े खोल के भी बैठ सकते हो रियल में, वहां से ऐसी हवा आती है ना, ये पूरे इसको ठंडा रखता है। उस तरफ चलते हैं, तो में इनका स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है ना जैसे अभी ये सब चीज़ ऊपर देखो एकदम प्रॉपर लग रहा है, पूरा स्केल वगैरह रख के या मशीन से पूरा ना छापा गया और बनाया गया और ऐसा, लेकिन जो रियल में जो पुराने स्ट्रक्चर हैं इनमें कोई भी ना वो नहीं रहती, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बारीकी हैं जो मशीनों से नहीं हो सकती थी, इस समय मशीनों से उन्हें इतनी दिक्कत होती है, उस समय के लोगों ने कैसे से छेनी हथौड़े वगैरह का इस्तेमाल करके इसको बनाया होगा, और जहाँ जहाँ देखो हर एक कोने कोने में नक्काशी कर रखी है। और इसके बाद है ये आउटर एरिया, इधर जब तो बाहर की तरफ सेम पूरा, अभी हम बाहर धूप की तरफ में थे, इतनी गर्मी थी, पसीने पसीने हो गए थे, सुमरन खुद पसीना पसीना हो गया था, लेकिन यहाँ आओगे गर्मी, अंदर जाओगे एकदम ठंडक। तो जैसे मर्जी, अगर आपको गर्मी चाहिए आगे गर्मी में बैठो, ठंडा होना दोबारा तो फिर से अंदर चले जाओ, तो यहाँ पे एकदम बढ़िया हवा चलती रहेगी, जो छोटे छोटे वेंटिलेशन टाइप के बने हुए ना कोने में
वो है, या जो ये मार्बल्स हैं उनकी वजह से है, इनमें हमेशा जो है आपको हमेशा हवा लगती रहेगी। अभी जो हवा चल रही है यहाँ पे, कुछ पत्ता वत्ता लेके रखता है ऐसे दिखाता है हवा चलते हुए में, तो हवा मिलती रहेगी, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं है। बाहर गर्मी लग रही है, अंदर आके बैठ जाओ, मकबरे पे मत बैठना, बस किसी का भी मकबरा है। और ये जो मार्बल का प्योर, बट इसमें और ऊपर का भी होना चाहिए, तो और अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और जब बाहर की तरफ चलते हैं, ऐसे आपको हर कोने में चार चार वो ना सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, जहाँ से आप उतर के सभी नीचे मिलती हैं, कोई वो नहीं है, सभी स्टेज जो है नीचे जाएगा, और नीचे जाते ही आपको ऐसा वाला सीन चारों तरफ मिलेगा। अभी उधर से लग रहा था ना सेम ऐसे ही, कि सेम अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे कोई अपोजिट या कोई कुछ नहीं है, चारों तरफ एक ही जैसा है। और यही छोटे वाले सुमिरन के फेवरेट वाले, क्या सुमिरन बताओ जल्दी, सील लगा दिया क्या इस पे? नहीं, नॉर्मल ऐसे लग रहा था, सील वाला सील लगा दिया ताले पे, बट नहीं लगा रखा। सुमिरन ने नाम रखा था 150 रुपये वाला तो इधर से जो पूरा है देखो कुछ पे तो अच्छा, ये कुछ नई चीजें करी हैं। अनार गली उसी में चुनवाया गया था क्या? क्या भाई, अंदर से कुछ झपट ना ले वो भाई, बाहर पीछे तो कूड़ा समार कर भर मार रखा है, बट लेकिन फिर भी कोई कीड़ा उड़ा हो कुछ, कभी हाथ झपटा मार अंदर अंदर तो दिख भी नहीं रहा ऐसा क्या है। कुछ है नहीं, कूड़ा कबाड़ा मतलब कुछ चीजें थी तो वहां पे बंद करके इन्होंने बंद कर दिया। ये दीवारें वगैरह पहले खुली हुई थी, अब इन पे जो है ये सब लगा के पूरे इन सबको बंद कर दिया गया। तो कुछ ऐसा ही है, दिन के समय में थोड़ा सा शांत है, धूप है इस वजह से, लेकिन शाम में आप आओगे तो थोड़ा भरा भरा मिलेगा, और से 25 रुपये के हिसाब से बहुत बढ़िया। अगर आप कहीं बाहर भी घूम रहे हो तो नियर बाय अगर आपको रेस्ट करना हो, आओ आराम से, कितने बढ़िया गार्डन्स वगैरह दे रखे हैं वहाँ पे, पेड़ के नीचे कहीं भी अपना आराम से बिछा के लेट सकते हो, क्योंकि इसमें जो आपका पूरे दिन का 25 रुपये होता है, इसमें कोई चाहे वो आवर्स के हिसाब से चार्जेस नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे, जब तक पार्क खुला रहेगा ये, जब तक हुमायूं टॉम ये जो है ओपन है, तब तक आप इसमें स्टे कर सकते हो उस डे की टिकट के अकॉर्डिंग। चलो चलते हैं बाहर की तरफ। इसमें ये क्या लगे हुए हैं कुछ पता नहीं, जिसको पता हो जरूर बताइएगा, ठीक बॉल टाइप से है। बाकी तो कुछ ऐसा रहा ये आज का हमारा ब्लॉग, कुछ वैसे मतलब बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं है, और अच्छी बात भी बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं है, क्योंकि जिसको अपना शांति से टाइम बिताना है, क्वालिटी टाइम या नॉर्मल अपना स्पेंड करना हो, तो पूरे जितना पीछे देख सकते हो ऐसे ही ये एक तरफ का है, ऐसे ही चारों तरफ में सिर्फ 25 रुपये। फिर दोबारा बता दें 25 रुपये टिकट है, क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं कि आप टिकट का प्राइस नहीं बताते हो, तो टिकट पर 25 25 रुपये जो टिकट प्राइस है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। और ये दोबारा रहेगा रास्ता बता देता हूँ कि जोर बाग मेट्रो स्टेशन उतरोगे, वहाँ से गेट नंबर 2 से निकलना, और लेफ्ट साइड में 100 मीटर आगे आ जाओगे तो आपको हुमायूं टॉम एयरपोर्ट दिख वाला जाएगा। एयरपोर्ट वाला तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये आज का हमारा ब्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, लोधी गार्डन।